सामने आ रही है। सीपीए के 9वें सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। आज सम्मेलन का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए जनप्रतिनिधित्व को सशक्तिकरण करने पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद हैं। सम्मेलन में कई राज्यों के पीठासीन अधिकारी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। तो आज दूसरा दिन है और समापन सत्र भी है। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, किन खास मुद्दों पर चर्चा हो रही है आज? देखिए, सीपीए सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और समापन सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण जो दूसरा सत्र है वो इस समय चल रहा है, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी मौजूद हैं और अलग अलग जगह के राज्यों के जो स्पीकर आए हुए हैं वो सभी यहाँ मौजूद है, जो कि पांच पांच मिनट में अपनी अपने जो तर्क हैं, अपने जो विचार हैं वो मंच से इस दूसरे सत्र के दौरान साझा कर रहे हैं। ये जो सत्र चल रहा है जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए जनप्रतिनिधियों को कैसे सशक्त बनाया जाए इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो ये सत्र दोपहर 1 बजे तक चलेगा, उसके बाद में तकरीबन 2:30 बजे समापन सत्र की शुरुआत होगी और इस समापन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के स्पीकर मौजूद रहेंगे। ओम बिरला इस समापन सत्र में मौजूद रहेंगे, तो वही भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और तकरीबन 1 घंटे समापन सत्र चलेगा। उसके बाद में ये जो 2 दिवसीय सीपीए सम्मेलन था उसका समापन हो जाएगा। जी, बहुत खास मुद्दे पर आज चर्चा की जा रही है। कपिल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो सम्मेलन में कई पीठासीन अधिकारी मौजूद हैं जो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। सभी को 5-5 मिनट का वक्त दिया गया है। आज का चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, जहां पर खास विषय पर चर्चा की जा रही है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैसलमेर में प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार से खुद की पार्टी कांग्रेस के नेता भी खुश नहीं हैं, जो लगातार आरोप प्रति आरोप या ट्वीट के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा है, आमजन त्रस्त है, जनता का पैसा लूटने का काम किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इस ट्वीट को बुनाने के लिए आक्रामक मूड में आ गई है। राजस्थान भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर है, क्राइम के और क्राइम में 1 नंबर पर है, देश में बलात्कार के अंदर 1 नंबर पर पहुंच चुका है। जो सबसे शांत प्रदेश मेरा राजस्थान होता था इन 4.5 साल पहले, लेकिन आज हर जिस तरह से देखते हैं क्राइम के अंदर वो सब जो 1 नंबर पर पहुंच चुका है। और आपने देखा होगा कि सचिवालय के अंदर करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, सोना मिल जाता है और उन्हीं के विधायक है वो खुलेआम कह रहे हैं कि यहाँ करप्शन हुआ है और उनके पूरे काले चिट्ठे हैं जो उस लाल डायरी के अंदर दर्ज हैं। पर वो लाल डायरी को लेकर किस बात की उनकी लड़ाई थी, किस बात की खींचतान थी? विधानसभा के अंदर एक विधायक के साथ में मारपीट की गई और उन्हीं के विधायकों के द्वारा, इसका मतलब कुछ तो काल दाद में काला था और वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी काली जो लाल डायरी है वो इनकी कब्रगाह बनेगी। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में इस 5 साल में जितना करप्शन हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस तरह से राजस्थान की जनता का पैसा है उसको लूटने का अशोक गहलोत की सरकार ने काम किया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 26 अगस्त के प्रस्तावित गंगापुर सिटी के दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अमित शाह गंगापुर सिटी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय विशाल किसान सहकारिता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारी को लेकर आज गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और कार्यक्रम के संयोजक टोडा भीम के पूर्व विधायक रमेश मीणा ने सभास्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में पहली बार सहकारिता किसान सम्मेलन 26 अगस्त को गंगापुर सिटी में आयोजित हो रहा है। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसमें सहकारिता से और किसानों से जुड़े लोग राजस्थान के संपूर्ण प्रदेश से और सभी जिलों से आ रहे हैं और इसके साथ साथ में आसपास के प्रदेश हैं वहाँ से भी आ रहे हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारे गुर्जर समाज के हैं सुहापुड़ से और हापुड़ जिले से और पंचकटन और ये जो किसान हैं वो भी जब इन्होंने सुना कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो हमने इनको निमंत्रण भी दिया, इनकी इच्छा भी थी, तो वो भी बड़ी संख्या में, अभी तो कम है लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या में भी आने वाला है। और भाजपा को जो है देश में लाना है और रमेश जी को जिताना, गुर्जर समाज से अपील करेंगे कि भाजपा को वोट करें।
और खबर बाड़मेर से है, जहां पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर